को बता दिया। चलो, एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, रिजोनेंट विद अ ट्यूनिंग फोर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज 50, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द एयर कॉलम रिजोनेंट विद सेम ट्यूनिंग फोर्क। अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है पहले उसको समझो। ये जो क्वेश्चन है वो रिजोनेंस ट्यूब आप पढ़े होंगे, जो एक एक्सपेरिमेंट है जो साउंड की स्पीड एक्सपेरिमेंटली एयर में हम निकालेंगे या ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कंपेयर करने में यूज होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि मैं लिक्विड भर देता हूँ, इधर मैंने क्या कर दिया, वाटर भर दिया। तो फर्स्ट रिजोनेंस के केस में यहाँ पर नोड बनता है और यहाँ पर एक एंटी नोड बनता है। तो फर्स्ट रिजोनेंस के केस में कुछ ऐसा दिखता है, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट रिजोनेंस। और सेकेंड रिजोनेंस के केस में ये जो ट्यूब है वो हमें कुछ ऐसा दिखता है, लिक्विड का कॉलम थोड़ा घट जाता है और यहाँ पर दो अपने नोड बन जाते हैं और एक नोड कुछ ऐसे। ये होता है सेकेंड रिजोनेंस कंजुगेटिव। फिर उसी तरह से तीन नोड होगा तो थर्ड रिजोनेंस। रिजोनेंस कब होता है, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क होती है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती, इक्वल हो जाता, उस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता, लाउडनेस मतलब हाई टोन मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। तो ये फर्स्ट रिजोनेंस लेंथ L1, सेकेंड रिजोनेंस लेंथ L2, ये रिजोनेंस लेंथ होती है ये वाली, क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। तो एयर कॉलम एट वन ओपन एंड रिजोनेंस विद ए ट्यूनिंग फोर स्मॉलेस्ट लेंथ L1 स्मॉलेस्ट लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और इस लेंथ को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब आपको यहाँ नोड मिला और यहाँ एंटी नोड मिला तो नोड और एंटी नोड के बीच की लेंथ कितनी होती है, तो यह आ जाएगी लैम्डा बाई 4 दैट इज 50, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। ये तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर में दी सेंटीमीटर में दिया है तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 200। ये अब सेकंड यहाँ पे नोड बन गया और यहाँ पे नोड बन गया और यहाँ पे एंटी नोड बन गया, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 और ये आ जाएगा लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से देख लो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ L2, मतलब आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 दैट इज L2। फाइनली हमें कैलकुलेट करना क्या है, द नेक्स्ट देखो डायरेक्ट नेक्स्ट लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द रिजोनेंट, नेक्स्ट तो यही है यार, फर्स्ट रिजोनेंस सेकेंड रिजोनेंस थर्ड रिजोनेंस एंड सो ऑन, तो नेक्स्ट तो इसका यही है। तो L2 हमें निकालना है, तो L2 हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और लैम्डा इधर 200 ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हो, तो यह आ जाएगा 5 × 15 150 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ए ऑप्शन।